सम्मान में, समाज मैदान में, एकता के सम्मान में, क्षत्रिय समाज मैदान में, एकता के सम्मान में, क्षत्रिय समाज मैदान में। नमस्कार दर्शकों, मैं शिवांगी भारद्वाज और आप देख रहे हैं एनजी न्यूज। आज बरेली में अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा ने हरियाणा की बल्लभगढ़ के निकिता तोमर के हत्यारों के लिए तुरंत फांसी की मांग की। उसके लिए उन्होंने घोर प्रदर्शन भी किया, साथ ही ये पूरा कार्यक्रम साथ ही उन्होंने जिला अधिकारी के कार्यालय में एक ज्ञापन भी सौंपा। इस ज्ञापन में हत्यारों के लिए तुरंत फांसी चढ़ाए जाने की बात कही गई थी। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के कार्यकर्ताओं का कहना है कि जब सोशल मीडिया पर सभी फुटेज में ये दिखाया जा रहा है कि हत्यारे कौन है, तो फिर प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता है, उनको तुरंत ही फांसी हो जानी चाहिए। बात सिर्फ यहीं तक नहीं रुकती है। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के लोगों का ये भी कहना है कि क्षत्रिय जाति सिर्फ एक जाति नहीं है, ये पूरा एक धर्म है और हत्यारों को तुरंत फांसी हो जानी चाहिए, क्योंकि ये जात पात और वर्गों के बीच संघर्ष की उन्मादी भीड़ के लिए बहुत जरूरी है। ऐसा कुछ ना हो, भविष्य में इन चीजों की जरूरत ना पड़े, इन संघर्षों की जरूरत ना पड़े, इसलिए तुरंत हत्यारों को फांसी पर चढ़ा देना चाहिए। क्या नाम आपका? मेरा नाम एमपी सिंह है, मैं अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा का जिला अध्यक्ष हूँ। क्या कहना चाहते हैं? हमारे जो हरियाणा में बल्लभगढ़ की निकिता तोमर के साथ जो लव जिहादियों ने जिस तरीके से उनके साथ बलात्कार की कोशिश की और विरोध करने पर उसको गोली मार दी और उसकी हत्या कर दी, हमारा मानना यह क्षत्रिय जाति नहीं एक धर्म है। क्षत्रियों ने हमेशा, अगर आप अतीत का इतिहास उठाकर देखेंगे तो क्षत्रियों ने हमेशा समाज में, अगर किसी भी समाज के प्रति, किसी भी व्यक्ति के प्रति अन्याय, उत्पीड़न, अत्याचार हुआ है तो क्षत्रियों ने उसका पुरजोर विरोध किया है, विरोध ही नहीं किया है, बलिदान किया है। उन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं, चाहे हमारे महाराणा प्रताप हों, चाहे पृथ्वीराज चौहान हों, इन्होंने सर्व समाज के लिए, जब मुगलिया शासनों का अत्याचार हो रहा था देश पर, देश की महिलाओं के प्रति, तो उन्होंने उस अत्याचार के विरुद्ध एक जंग लड़ी और उन्होंने घास की रोटियाँ खाई। अरे हम लोगों की आज हम लोगों का ये देखा जाता है कि क्षत्रिय कम क्यों है। क्षत्रिय कम इसलिए है कि 18 साल के युवाओं ने आहुतियाँ दी, 18 साल के युवा इस देश के लिए मरे, इस देश की सुरक्षा और अस्मिता की संरक्षण के लिए मरे क्षत्रिय। और हमने हाथरस कांड में भी, आज हमारा हाथरस कांड में मैं ये भी कहना चाहूँगा कि उसमें कुछ हमारे क्षत्रिय युवा थे। मैंने ये नहीं कहा, हम लोगों ने, हमारे अखिल भारतीय क्षत्रिय महात्मा ने ये कहा था कि हम दो निर्दोष कोई फंसे नहीं और दोषी कोई बचे नहीं। उसमें भी हमारा यही नारा था कि दोषी कोई बचे नहीं और निर्दोष कोई फंसे नहीं, और आज भी हमारा ये कहना है। अब मैं आप लोगों के माध्यम से, आप लोग चूंकि मीडिया में, सिटी न्यूज से हैं, आप लोग भांड मीडिया जो आज तक चैनल दिखा रहा था जो कांड हुआ था हमारे हाथरस में, चाहे किस रूप में, ये जाँच का विषय है, जाँच के बाद सारी बातें आएंगी। और मैं ये भी बताना चाहूँगा, मेरे सभी लोग ये संकल्प लेते हैं, इसकी सीबीआई जांच चल रही है और सीबीआई जांच के बाद यदि पानी का पानी या दूध का दूध होगा और फिर उसको कौन है, आज तक की नाम भूल जाता हूँ, अंजना ओम कश्यप और एक संजय जो आम आदमी पार्टी का है, उसको जेल, संजय जी को भी जेल भिजवाने के लिए इस कलेक्ट्रेट पर धरना देंगे हम। ये लोग क्या न्यायालय है? न्यायालय से समाज के लिए बदनाम करते हैं ये लोग। अरे जब तक न्यायालय सजा नहीं देगा तब तक आपने दोषी किसको ठहरा दिया? ये जांच के विषय है, एसआईटी जांच, मीडिया ट्रायल हो रहा है, मीडिया पैसा ले रही है, मीडिया पैसा ले रही है और मीडिया दिखा रही है, कोई दोषी बना दे रहे हैं। अब आज क्यों नहीं बोल रहे हैं? आज क्यों बोलेंगे? आज नहीं बोलेंगे, उनके बाप ने करा है ना, आज उनके बाप ने किया है। तो आप यह समझ लीजिए कि हम लोगों ने यह संकल्प लिया है, अगर समाज में किसी के प्रति, देखिए मैं दोबारा फिर उन्हीं शब्दों को दोहराऊंगा कि क्षत्रिय जात नहीं एक धर्म है, अगर समाज में किसी के प्रति, किसी समाज के प्रति, किसी बहन बेटी के प्रति अगर किसी भी तरीके का अन्याय, उत्पीड़न, अत्याचार, लफ्ज आदि या किसी भी तरीके का कोई कृत्य घृणित कृत होगा तो हमारा क्षत्रिय समाज उसके विरोध में खड़ा होगा, और ऐसा खड़ा नहीं होगा, बहुत सशक्त क्षत्रिय। देखिए हम लोग कानून हाथ में नहीं लेना चाहते, नहीं अभी हम लोगों की ताकत कम नहीं है, हम लोग जहाँ खड़े हो जाएंगे सौ के लिए एक काफी है।
और इसमें तो इस कांड में तो मीडिया ट्रायल भी हो गया। अरे इसमें तो सामने सबके सामने गोली मार रहा है, तो किस बात की देरी है? अरे चौराहे पे खड़ा करके उसको गोलियां मार के लटका के गोलियां मार के उसको मारना चाहिए। अरे जो तो सब दिख रहा है, खींच के ले जा रहा है, अपहरण कर रहा है और उस अपहरण नहीं कर पा रहा है, कामयाब नहीं हो पा रहा है, तो गोली मार रहा है, सरेआम गोली मार रहा है और दिख रहा है वीडियो, फिर भी क्यों देरी क्यों? अरे इनका तो उसी समय एनकाउंटर कर देना चाहिए दोनों का और इनके पूरे परिवारों में। अभी तो ये तीन फंसे हैं, इनके पूरे परिवार में 30 हैं, 30 के 30 दोषी हैं, उन 30 के 30 को जेल दिलवा के फांसी करवाने का काम छत्तीस महासभा करेगी और मांग करती है। एनजी न्यूज से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।